वेलकम बैक गाइस। तो फाइनली आज जो स्क्वाड वाला टूर्नामेंट होने वाला था वो आज से स्टार्ट हो चुका है, और आज जो भी फर्स्ट राउंड थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारी टीम जो है 2KP, उसने भी यहाँ पे खेला था फर्स्ट राउंड में, जैसे कि मैंने बताया था कि हाँ हमने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो यहाँ पे यार हमारी टीम ने खेला था ये वाला फर्स्ट राउंड हमारा, जो कि सामने उचिया क्लैन नाम की टीम थी उनके अगेंस्ट होने वाला है हमारा बैटल, जो कि यार तुम देख सकते हो कॉम्प वगैरह हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया था। मतलब पता है भाई टूर्नामेंट था, लेकिन सीरियसनेस हमारी इतनी थी कि ना तो हमने कुछ भी डिसाइड किया कि क्या खेलना है टूर्नामेंट में, ना तो हमने कुछ प्रैक्टिस करी है, ना हमने कुछ भी डिसाइड ही नहीं किया। बेसिकली बस आ गए भाई मुंह उठा के खेलने के लिए, और सामने वाले भाई एकदम प्रॉपर कुछ कॉम्प लेके आए, सपोर्टर से लेके हर चीज़। हम लोगों ने यहाँ पे 3 ऑलराउंडर भर लिए, एक अटैकर और एक सपोर्टर। तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट गेम में भाई ऊपर गार्चो हमने बढ़िया तरीके से एक किल ले लिया है। मैं 5 ओके सीधा ऊपर जाने वाला हूँ, और मैंने यार सिजोर खेलने का डिसाइड किया क्योंकि अभी एक काफ़ी तगड़ा पोकेमॉन लगता है यार मुझे, तो मैंने सोचा सिजोर रहेगा टीम में, शायद हम लोग बढ़िया से डोमिनेशन दे पाएंगे। सिजोर लेके मैं आ रहा टॉप पे। आज के दिन भाई टोटल 8 मैचेस हुए थे टूर्नामेंट के, मतलब फर्स्ट राउंड बेसिकली कंप्लीट हो चुका है टूर्नामेंट का, जहाँ पे 8 मैचेस हुए हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मैं अपना वाला तुमको दिखा रहा हूँ, बाकी तुम्हें जो भी देखने होंगे वो तुम्हें पोके स्क्वाड के चैनल पे मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे जाके देख लेना यार, बाकी भी मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं सही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं भाई पहले तो हम लोग अपना मैच में क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं घुस रहा हूँ थोड़ा सा मारने के लिए, आई गेस हम लोग निपटा देंगे, बढ़िया है। HP कम है भाई, स्टार्ट में बहुत बढ़िया डोमिनेशन दिखा रहे हैं हम लोग। सही है। मरेगा ये, मरेगा, तुम लोग गोल मारो आराम से। ख़त्म, उसको ख़त्म कर दिया मैंने, लेट्स गो। बढ़िया भाई, अब आराम से डोमिनेशन करके अब मैं निकल रहा हूँ अपने जंगल के लिए वापस, लेट्स गो। टॉप पे अपन लोगों ने अच्छा डोमिनेशन बना दिया है, स्टैक मैंने ज़्यादा अभी कर नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ पहले अपना जंगल कंप्लीट करता हूँ, वही सही है, क्योंकि लेवल डिप बिल्कुल भी नहीं खाना। और नीचे हमारी टीम बहुत कुत्तों की तरह पिट चुकी है भाई, नीचे वालों का हाल बहुत बुरा चल रहा है, हमने टॉप पे पुश दे दिया है लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा है। वैसे बता दूं यार, ये टूर्नामेंट में बेसिकली ड्राफ्ट सिस्टम है, यानी कि ड्राफ्ट में यार डिसाइड होने वाला है। तो हम लोगों ने जब फैलिंग्स चुना था तब मुझे लगा था कि सामने वाली टीम लुकारियो लेगी, जिससे हमारी टीम को बहुत गंदा वाला डिसएडवांटेज हो सकता था, बट पता नहीं उन्होंने फिर भी यार लुकारियो को चूज़ नहीं किया एंड में भी, जबकि उन्होंने देख लिया कि हम फैलिंग्स खेलने वाले हैं। अगर वो लोग खेलते तो डेफिनेटली उनको काफ़ी एडवांटेज हो सकता था लुकारियो की वजह से। ओके, टॉप पे आराम से आप पुश बना देते हैं, और टॉप का यार इनका गोल ही ख़त्म करते हैं, आ जाओ। जहाँ पे यार बॉटम भी देखे तो बॉटम भी अपनी टीम बहुत गंदी मार खा रही है, टॉप पे हम मार रहे हैं और बॉटम पे ये मार खा रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है। मतलब एक जगह पे उनका पुश है, एक जगह पे हमारा पुश, और हम लोगों ने तोड़ दिया और उन्होंने भी तोड़ दिया भाई, मतलब बैटल तो टक्कर की है मानना पड़ेगा। सही है, मेरा लेवल यार, मेरे को जल्दी से अपना 9 लेवल करके यूनाइट लाना होगा, लेट्स गो। सही है, यहाँ पे यार अभी हमारा मैच बढ़िया तो चल रहा है भाई, अभी थोड़ा बहुत टाइम अभी भी काफ़ी गेम में बचा हुआ है, मतलब टॉप पे सीधा ऑब्जेक्टिव आ चुका है। चलो ऑब्जेक्टिव लेना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ब्लेजिकन का भाई लास्ट हिट बहुत अच्छा होता है, इसी वजह से हम पहले इसको निकाल रहे हैं। ख़त्म, ब्लेजी को निकाल दिया भाई, मैं निकल रहा हूँ अंदर, रुको। अरे भाई मेरे को अंदर घुसने ही नहीं दिया, लास्ट हिट निकाल लिया, बहुत ही बढ़िया यार। मैं हुपा के हाइपर स्पेस होल में जा रहा था, किसी ने अंदर ही नहीं जाने दिया मेरे को। अरे भाई ब्लेजी अंडे से मार के जा रही है मेरे को, गंदा ही सीन है। चलो बढ़िया, 2 बंदे भी निपटा दिए, नीचे जाते हैं, नीचे आराम से अब हम लोग जाके गोल कर सकते हैं। आ जाओ, फैलिंग्स हम दोनों ही गोल डाल सकते हैं। वो लोग टॉप पे देख रहे हैं, देखते हैं पुश होता है कि नहीं, बट हम लोग यहाँ पे गोल मार के आराम से इसको ले सकते हैं। पहले आराम से यार इसको ऑब्जेक्टिव को मेल्ट कर देते हैं, लेट्स गो फुल स्पीड। वो लोग इतनी देर में ऊपर संभाल रहे हैं, जल्दी 40 का गोल भाई, उन्होंने टच करवा के गोल भी डाल दिया, बहुत प्यारा, लेट्स गो। 30 का गोल भी हो गया मेरे पास, और फैलिंग्स भाई गोल उठा सकता था यहाँ पे, ये मोमेंट पे मैंने अभी नोटिस किया ये वीडियो में, बट पता नहीं यार इसने गोल क्यों नहीं उठाया वहाँ नीचे से, इतना सारा गोल डाल देते अब हम लोग यहाँ पे, लेट्स गो भाई। मेरे स्टैक भी थोड़े बहुत हो गए, वो लोग यार टॉप पे पुश करने लग रहे हैं, मेरे को जाके यार डेलफॉक्स पे यूनाइट खोलनी है, बट ये क्या गंदा सीन किया है भाई, सीरियसली स्लोब्रो ने जो मेरे पे यूनाइट खोली है भाई, मैं क्या ही बात करूँ, काफ़ी अच्छी यूनाइट थी भाई, डेफिनेटली मानना पड़ेगा, बट यार मेरी यूनाइट ख़राब हो गई उसकी वजह से। ओके, अरे यार यहाँ पे हमारी टीम डाउन हो गई है भाई, नहीं भाई गंदा ही सीन हो गया, सीरियसली हमारी टीम ही डाउन हो गई भाई पूरी की पूरी, और मेरी तो यार यूनाइट का ही कबाड़ा हो गया भाई, मैं क्या बोलूँ यार, डिफेंडर उनका काफ़ी अच्छे तरीके से यार बचा रहा है उनको, और हमारी टीम में तो हमने डिफेंडर लिया ही नहीं है भाई। हमारी टीम मतलब ऐसा सिस्टम चलता है भाई, कुछ मत सोचो समझो, सीधा जाके घुस जाओ भाई, स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बना रहे भाई, जाके घुसो, कुछ भी कॉम्प लेके खेलो, लेट्स गो। अभी क्लोज बैटल ही है, मतलब कोई भी गड़बड़ तो फिलहाल नहीं चल रही गेम में, वो लोग हमारे जंगल में घुसे हुए हैं,
मैं सोच रहा हूँ यार ऊपर इतने में ये आएगा, हम लोग इसको पहले मेल्ट कर देते हैं नीचे जाने से, अच्छा इसी को लेते हैं भाई, जान दो अभी किसी को भी बचाने का फ़ायदा नहीं है। फुल स्पीड आ गए ये लोग, यहाँ पे भी आ गए। यार मेरे को डेलफॉक्स टारगेट करना होगा भाई, डेलफॉक्स कहाँ है, उस पर सोलो यूनाइट खोल ले दो। ये रहा ये रहा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ये ले। अरे नहीं भाई भाई सीरियसली यार डेलफॉक्स को वो लोग काफ़ी अच्छा बचा रहे हैं भाई, मेरे को डेलफॉक्स टारगेट ही नहीं करने दे रहे प्रॉपरली, गंदा सीन हो गया। ओके भाई हमारी टीम डेड हो चुकी है। नहीं नहीं अभी एक बंदा बचा है, ठीक है वीना भी मर गया, चलो हुपा उतने में पहुंच गया। हुपा के पास यूनाइट वगैरह पता नहीं अभी नहीं है शायद से, भाई गंदा ही सीन है, स्टील हो सकता है क्या। चलो ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ, अभी भी चांस है, लेट्स गो जल्दी जल्दी जल्दी। ये फार्म सही है, चलो बढ़िया रोक तो लिया भाई, अच्छा टाइम वेस्ट करवा दिया भाई। फिर से ये कर क्या रहा है यार भाई, स्लो ब्रो की कौन सी खुन्नस है यार मेरे पे यूनाइट खोल रहा है बार बार, मार 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 गारचो, बहुत बढ़िया भाई। मैं तो यार आते ही निपटा रहे हैं भाई मेरे को, यार मेरे को यूनाइट यूनाइट क्यों मार रहे हो इतना ज़्यादा। ठीक है जल्दी 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 वापस चलते हैं, लेट्स गो। रुक जाओ भाई रुक जाओ, मेरी यूनाइट कितनी है, ठीक है भाई फिर से मैं डेलफॉक्स टारगेट करने का ट्राई करूँगा, आने वाली है मेरी यूनाइट। यार ये टॉप का निकाल लो भाई कैसे भी करके, लेट्स गो। इससे बदला ले लिया भाई मैंने, बहुत देर से यूनाइट खोल रहा था मेरे पे। यार इसका लास्ट हिट निकाल लो बस, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लास्ट हिट बहुत ही बढ़िया, फैलिंग्स ने लास्ट हिट ले लिया, जाएगा मेरी यूनाइट आ गई, ये ले भाई। अरे यार भाई मेरी यूनाइट चलते ही गड़बड़ क्यों होती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी जैसे यूनाइट चल रही है वैसे ही कुछ गड़बड़ हो जा रही है। निकलो 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 भाई, मरना नहीं है किसी को भी, लेवल नहीं देनी ज़्यादा, गंदा ही सीन है। चलो ये तो अच्छा हो गया, मैं इतनी बार मर रखा हूँ तो एटलीस्ट अगर मैं सेंटर वगैरह के टाइम पे मर गया तो मेरा टाइमर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वरना काफ़ी बार गलत सीन हो जाता है भाई, टाइमर इतना लंबा लग जाता है सेंटर में मरने के बाद कि फिर पॉसिबल ही नहीं होता जीतना। क्लोज बैटल ही है वैसे तो अभी ज़्यादा कोई गड़बड़ नहीं है, और बॉटम का भी ऑब्जेक्टिव अपने को मिल चुका है भाई। मतलब ये गेम डेफिनेटली बहुत इंटेंस रहा है यार, सीरियसली बराबरी चल रही है बिल्कुल दोनों साइड से, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। और हमारा गारचोम कहाँ रेल दिया इन्होंने, अरे भाई अभी लड़ाई मत करो यार, अभी ऊपर आओ, सेंटर का टाइम है, अभी सीधा सेंटर में लड़ेंगे, लेट्स गो। मैं अपनी यूनाइट चार्ज कर रहा हूँ सेंटर से, पहले ही यार मैंने अपना 13 लेवल कंप्लीट कर लिया है जो कि बढ़िया है भाई। अब आ जाओ भाई, अब फाइट वगैरह काफ़ी तगड़ी होने वाली है, आ जाओ। अपने को यार सेंटर में बहुत सोच समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो स्लो ब्रो मेरे को ही टारगेट करेगा यूनाइट से, तो मेरे को उसकी यूनाइट का भी ज़रा ध्यान रखना है। और यहाँ पे भाई हमारे हुपा ने अलग ही लेवल की गड़बड़ करी थी सीरियसली, हमने इसको बोला था कि यूनाइट मत खोलना, यूनाइट अभी मत खोलना हम लोग क्योंकि लीड में, तो हम लोग पहले देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, बट यार हुपा ने पता नहीं पैनिक करके भाई क्या किया, यूनाइट खोल दिया अचानक से, और इसकी वजह से यार यहाँ पे हमारे बंदे फाइट में घुस गए। बट मेरे को पहले ही लग रहा था कि हमारा फाइट गंदा ही हो गया है क्योंकि ये लोग ऑलरेडी मर गए हैं, इसीलिए भाई मैं तो फाइट से दूर ही था बिल्कुल। अब मेरे को स्टील ही करना है क्योंकि और कोई चांस नहीं बचा, क्योंकि वहाँ पे भाई हमारे एक हुपा की गलती की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ है कि फाइट ही चली गई, इसीलिए अब अपने को लास्ट हिट निकालना होगा। और यहाँ पे भाई मैं और वीना सॉरी बचे हुए हैं टीम से, सिर्फ इनके चार बंदे हैं भाई, कुछ कर वीना कुछ कर भाई। वीना ने लास्ट हिट निकाल लिया, वो भी अपने स्लज बॉम्ब से, भाई साहब क्या बोलूँ अब मैं। दो बंदे इनके डेड पड़े हुए हैं, लेट्स गो, जाएगा गया गया, गैंडा भी मरेगा भाई, एक तो दो दो गैंडे हैं इनकी टीम में भाई, मरते ही नहीं हैं, मरो मरो भैंस की टांग। ठीक है बहुत बढ़िया, गोल करो अब हमारी टीम में से भाई, मैं तो इसको मारने मारने में ही मेरा रह जाऊंगा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है यूज लीड है मेरे पास, बट कोई नहीं भाई, अपना सिजोर है, सिजोर ऐसे तो मरने ही नहीं वाला भाई, कितना भी टैंक हो मरने ही नहीं वाला भाई सिजोर तो। ठीक है इनकी पूरी टीम को आना पड़ रहा है भाई मेरे को मारने के लिए, अब तो लग रहा है धीरे धीरे करके। तीन बंदे आ गए भाई मेरे पास, इतने में हमारी टीम गोल कर दे बस बढ़िया से। चार बंदे भाई क्या चल रहा है, सभी यहीं पर आ रहे हैं। ठीक है अब गया मैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं है, बस डिफेंड करना है अपने को बढ़िया से। ठीक है फैलिंग्स जा रहा है गोल करने के लिए, उसका भी गोल हो जाए बस। चलो यार अपन कुछ ही सेकंड दूर हैं अब बस इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड को जीतने से, तो बढ़िया सीन हो गया, अब हम लोग अगले राउंड में जाएंगे भाई, मज़ा आएगा। और हाँ यार कमेंट सेक्शन में मुझसे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने के लिए, तो यार ये मैं तुम्हें एक सर्वर बता रहा हूँ जो कि अपने मैट्रिक्स का ही है, तो हाँ तुम लोग इसमें आके ज्वाइन कर लो, मैं भी तुम्हें यहीं पर मिल जाऊँगा, तो तुम्हें यूनाइट वगैरह खेलना है या किसी रिलेटेड भी तुम आ सकते हो भाई यहाँ पर कुछ भी टाइम पास करने के लिए, तो हाँ तुम्हें अगर ज्वाइन करना है कोई सर्वर मेरा तो फिर तुम लोग ये वाला ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो यार पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और हम लोग अब अगले राउंड में जा चुके हैं, और अगले राउंड वाली भी हमारी टीम शायद सामने जो है वो काफ़ी खतरनाक होने वाली है, तो उस मैच के लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस टूर्नामेंट के जो हमारे मैचेस हैं वो तो तुम्हें यार मैं डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ, बट हाँ बाकी जो मैचेस रहेंगे वो तुम्हें स्क्वाड के चैनल पर देखने मिलेंगे, तो वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट करना।
डैमेज वगैरह में भाई हमारे फैलिंग्स को तो कुछ करने ही नहीं दिया, उसका तो काम ही बर्बाद कर दिया। बाकी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।